सो है गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छा ही और अच्छा ही रहना गाइस। और आप सबको पता ही है, कल मैंने ब्लॉग शूट किया था, मैंने सीसीटीवी फुटेज बहुत ज़्यादा मिलने के लिए ट्राई किया था, बट नहीं मिला मुझे। पता नहीं है गाइस, होपफुली मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो मिल जाए गाइस। आज मैं यहाँ से जो मेरा हेड ऑफिस है वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। कल मुझे सर ने बुलाया था, कल आओ ऐसा ऐसा, पुलिस आएगा शायद ऐसा बोल के। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन अच्छा से करेगा ये बात सुनने के बाद में यहाँ पे आके, और जितना इन्वेस्टिगेशन अच्छा करेगा उतना अच्छा है। हम लोग को इतना ज़्यादा पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है गाइस। ठीक है, मुझे तो ब्लॉग शूट करने का इतना मन तो नहीं है। मैं यहाँ से हेड ऑफिस जाऊँगा, वहाँ पर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अंदर थोड़ा अलाउ नहीं होता है गाइस, ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं होता है बहुत ज़्यादा, समझो जो भी है। मेरा कपड़ा भी ज़्यादा नहीं है गाइस, बाहर जाने के लिए जितना कपड़ा था सब। मेरा मुंह इतना पेन कर रहा है, मेरा मुंह में भी घाव आ गए गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है यार मुझे, सिर्फ मेरे साथ क्यों ऐसा होता है यार। गाइस अभी मैं फाइनली रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं जाने वाला हूँ। अभी टाइम ऑलमोस्ट 8 बज चुका है और अभी यहाँ से मैं निकलूँगा। पता नहीं गाइस आज क्या होगा, भगवान करे आज का दिन अच्छा जाए मेरा। और हम तो ना चाह के हुए भी हमारा बुरा दिन चल रहा है गाइस, ना चाह के हुए भी हमारा बुरा दिन चल रहा है यार। मैं क्या क्या बोलूँ मैं अभी, आप लोग विश कर देना गाइस। मेरा बर्थडे के बाद में मैंने सोचा था कुछ अच्छा होगा, मैं कुछ मैं कर पाऊँगा, बट बुराई मेरा ऊपर ना पूरा बुरा 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 हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा बुराई के ऊपर बुराई, बुराई के ऊपर बुराई। आई कैन हैंडल दिस बुराई गाइस, सो प्लीज़ विश मी गाइस ये बुराई से मैं जल्दी जल्दी छुटकारा पाऊँ और मेरा जितना भी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। और लेट्स सी गाइस क्या होगा ना। गाइस मैं फाइनली आ गया और अभी वेट कर रहा हूँ सर का, मैम का, और देखेंगे गाइस अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा मैं आप सबको बताऊँगा, नहीं छुपाऊँगा मैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सर एंड मैम, आई थिंक अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए। कल मुझे 9 AM को बुलाया था, मैं जल्दी आ गया आज। टेंशन बहुत ज़्यादा है गाइस, रात भर नींद नहीं लगता यार। तो गाइस इससे पहले मैं 3 दिन पहले मैं वीडियो बनाया था जो ये अभी आपने देखा है, और आज 3 दिन के बाद में मैं बना रहा हूँ क्योंकि इसका बीच में बिटवीन में मुझे टाइम नहीं मिला बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे फेस भी रिवील करूँगा कौन है चोर, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा यहाँ पे साइट में, देख सकते हैं आप। और ये देख के अगर आप लोग ने कहीं पर भी आप लोग ने दिखा एनी वेयर लाइक चेन्नई, कहीं पे भी चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हर कहीं पे भी आप लोग ने देखा तो मेरा ईमेल यहाँ पे है गाइस, डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल है, आप लोग ईमेल कर दो। और मैं फ़ोन नंबर भी छोड़ दूँगा, उसका फ़ोन नंबर भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा और आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूँगा मैं जो ये चोर का नंबर है, फ़ोन नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और प्लीज़ अगर आप लोग ने कहीं पर देखा तो मुझे कांटेक्ट करना है ये नंबर पे, ये वाला मेरा नंबर है ये वाला, और ये वाला उसका नंबर है। अगर आप लोग ने कहीं पे भी देखा गाइज प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल, पता नहीं कितने लोग देख रहा होगा मेरा वीडियो, बट अगर आप लोग ने देखा तो अगर आप लोग को मिला तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इतना ज़्यादा लाइक क्या बोलूँ मैं, मेरा 2-3 साल का मेहनत, 2-3 साल का नहीं यार, मेरा मैंने जितना भी मेहनत किया अभी तक, मैंने जितना भी मेहनत किया ना गाइस वो उसने एक बार में ख़त्म कर दिया, एक बार में ख़त्म कर दिया। अगर आपका इतना ज़्यादा मेहनत आपका एक बार में कोई ख़त्म करता है तो आपको कैसा लगता है बोलो, दिल से उसको ना मैं दिल से कुछ
बद दुआ तो नहीं दूंगा, बट ऊपर वाला देख रहा है ना, उसको कर्मा मिलेगा, जो उसने काम किया उसका फल मिलेगा उसको ना। मैं दिल से तो ऐसा कुछ किसी को मैं बद दुआ नहीं देता हूँ, बट बुरा लगता है यार, ऐसा मत करो ना, जो भी है ऐसा मत करो यार, बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मैंने पुलिस को भी FIR दर्ज किया हुआ है, FIR किया है, और पता नहीं इन्वेस्टिगेशन कैसा करेगा, और इतना सीरियस भी नहीं है, तो मैं ये 100% श्योर नहीं दे पाऊँगा कि वो उसको पकड़ेगा बोल के। अगर पुलिस ने अच्छा से इन्वेस्टिगेशन किया तो आई होप मिलेगा शायद, वो भी श्योर नहीं है गाइस। मैंने बहुत ज़्यादा CCTV फुटेज वगैरह भी चेक किया, और जितना भी मैंने आप सबको पहले वाला वीडियो में दिखाया था CCTV फुटेज, ये वाला, वहाँ पे भी मैंने जाके चेक किया, बट जब चेक कर रहा था मैं उस टाइम पे मुझे पता नहीं था वो एग्जैक्ट जो टाइम है, प्रॉपर टाइम है वो मुझे पता नहीं था, मालूम नहीं था। वो 4 PM टू 6 PM का बीच में निकल के, रूम से निकल के गया हुआ है वो, मेरा लगेज, गुच्ची का शू, नाइकी का शू, कपड़ा वगैरह वगैरह, उसका मुझे कुछ फ़र्क नहीं है, उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बट मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है, मैंने इतना साल से मेहनत कर कर के, कुछ जुगाड़ कर कर के मैंने बनाया हुआ, इतना मेहनत से मैं ऑफिस जाना, फिर बड़े लोग का मैं पैर में झुकना, प्लीज़ मुझे ये इसका अप्रूवल दे दो, प्लीज़ मेरा इसका सिग्नेचर दे दो, मुझे इसका ऐसा बनाना है, वैसा करना है, भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता यार। फिर पुलिस देता है ना, हाँ मेरा डॉक्यूमेंट्स खो गया, मैंने बोल के जाके वहाँ पे FIR किया, तो पुलिस ने मुझे कुछ दिया हुआ है, एक मेरा प्रूफ जो मेरा डॉक्यूमेंट्स खो गया बोल के। अभी मैं न्यू अप्लाई कर सकता हूँ, मैंने किया भी है, अप्लाई किया है, बट थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बहुत ज़्यादा थोड़ा खर्च भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, बट नो वरी, मैं कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, बट मुझे ना पकड़ना है इसको ना, एक बार पकड़ के उसको समझाना है, क्योंकि ऐसा नहीं करना है, आज मेरे साथ हुआ तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे पास उसका कुछ प्रूफ तो नहीं है, बट मुझे कन्फर्म है वही है, यही है चोर। क्यों बोलो, फर्स्ट दिन जब मेरा चोरी हुआ था उस दिन मैंने सबका फ़ोन से उसको कॉन्टेक्ट किया, ठीक है, सबका फ़ोन, सिर्फ 5 मेंबर्स 6 मेंबर ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने सबका फ़ोन से, जितना भी मेरा PG में, मेरा हॉस्टल में रहता है लड़का लोग, उसका फ़ोन से मैंने सबका फ़ोन से कॉल किया, कॉल पिकअप नहीं किया, कभी बोल रहा है स्विच ऑफ, कभी बोल रहा है बिजी, कभी बोल, कभी ब्लॉक में डाल रहा है, कभी उसका फ्लाइट मोड कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी कॉल कट कर रहा है। अगर उसने चोरी नहीं किया तो डरना किस बात की, अगर उसने ऐसा काम नहीं किया तो ठीक है, वो एक बात हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने क्या किया, उसको WhatsApp पे मैसेज करा, ठीक है ना, मैंने जब मुझे पता चला तब से मैंने WhatsApp पे मैसेज किया, वो ऑनलाइन है, बट क्या है ना, वो सीन नहीं कर रहा है मेरा मैसेज को सीन नहीं कर रहा है। और रात का कितना 1 बजे क्या हुआ, मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, टाइपिंग कर रहा हूँ, साला वो क्या कर रहा है, उसका जो DP है, DP जो मिरर पे लिया हुआ एक DP है, वो वाला डिलीट कर दिया उसने, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ उसको टाइपिंग कर रहा हूँ, ऐसा टाइपिंग कर रहा हूँ, वो ऊपर से डिलीट कर दिया उसका DP, तो वो मेरा मैसेज सीन नहीं किया, ठीक है। दो बात अभी ख़त्म हो गया, और दूसरी बात, उसको जो ये कंपनी जहाँ पे हम लोग काम करता है, ये कंपनी में किसका रेफरेंस से आया वो, उसको मैंने पता लगाया, उसको मैंने बोला, वो एक लड़की ने, उस एक लड़की का रेफरेंस से आया था वो, और मैंने वो लड़की को कॉल करके बोला, क्या है दीदी ऐसा आपने किसको डाला ऐसा रेफरेंस में, क्या ये लड़का ने ऐसा ऐसा किया मेरा। वो दीदी को भी मैं क्या बोलूँ ना, वो दीदी का भी गलती तो नहीं है, वो दीदी जो वो लड़का है वो दीदी का गाँव का है, वो अपना भाई नहीं था, खुद का भाई नहीं था, ठीक है। और वो दीदी ने बोला ठीक है, अभी लेके गया, मैं उसका फैमिली को कांटेक्ट करेगा, मैं फेसबुक पे कॉल करेगा, इंडिया से नेपाल में कॉल नहीं जाता है, बट फेसबुक में कर सकते हैं कॉल वगैरह। जब ऐसा दीदी ने कॉल किया तो उसका फैमिली भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, और मैसेज भी बहुत सारा किया। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकता है गाइस, कितना इग्नोर किया मैंने भी किया, मैसेज किया उसका पापा को, मैसेज किया, नो रिप्लाई, उसका पापा दुबई में है बोल रहा है, वो भी नो रिप्लाई,
और मम्मी को किया, मम्मी ने भी रिप्लाई नहीं दिया। उसका दीदी को भी किया, दीदी ने भी रिप्लाई नहीं दिया। इसका मतलब क्या फैमिली चोर है क्या? हाँ ऐसा है, फैमिली चोर है क्या? देखो भाई, मैं किसी से दुश्मनी नहीं करता हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत शरीफ हूँ। लाइक दूसरा के मामले में, दूसरा के लफड़े में मैं कभी भी उछलता नहीं हूँ, ठीक है ना। उसको मैंने बोला भी था, वो चोर को मैंने बोला था, देख भाई अगर तुमने लेके गया मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्लीज़ लौटा दे, रेपिटो कर दे, उबर कर दे मुझे, तुम कुछ भी कर दो, बस मेरा लौटा दो, मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है ना। तू कपड़ा रख ले, गुच्ची का शू, नाइकी साइकी, तुझे जो भी रखना है रख ले, मुझे कुछ एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर से खरीद लगा। बट मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं खरीद सकता, उस पर बहुत ज़्यादा मेरा। और हाँ गाइस, मैंने पुलिस कंप्लेंट किया, रजिस्टर किया हुआ है। और एक बात बोलूँगा, एक दिन पहले जब चोरी हुआ, उसके एक दिन पहले उसका इंस्टाग्राम में वीडियो था, उसका फेसबुक में वीडियो था, जब चोरी हुआ तब भी था, चोरी होने के बाद में भी उसका वीडियो था इंस्टाग्राम में। बट मैंने सिर्फ फ़ोटो को स्क्रीनशॉट किया, ठीक है ना। फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगा, यहाँ पे देख सकता है आप लोग, और वीडियो नहीं है। और वीडियो था, फेसबुक में भी इतना रील्स वगैरह शूट किया था उसने, उसका फ़ोन से रील्स था, उसका वीडियो था, शॉर्ट वीडियो था, सब कुछ, जितना भी, सिर्फ वीडियो नहीं, फ़ोटो भी, फ़ोटो के साथ साथ फ़ोटो वीडियोस, जितना भी उसने सोशल मीडिया में उसने अपलोड किया हुआ था वो वाला वीडियो, सब कुछ गायब, सब कुछ डिलीट कर दिया उसने। और उसका जो इंस्टाग्राम का और फेसबुक का जो प्रोफाइल है वो भी लॉक कर दिया। ऐसा क्यों किया, मेरा सवाल है उसको कितना मेहनत से काम करता होगा ये लड़का। सिर्फ मैं नहीं, सब लोग, घर से सब लोग का मजबूरी होता है, मजदूरी करने के लिए इधर आता है, मजदूरी करके थोड़ा सा पैसा जमा करके कुछ अपना ख्वाहिश होता है, कुछ अपना ड्रीम्स होता है, उसको पूरा करने के लिए आता है इधर। और तुम लोग भी घर में मजबूरी होके, तुम लोग का घर में थोड़ा सा वो नहीं हो कि इधर आता है काम करने के लिए, तुम भी काम करने के लिए आता है, मैं भी काम करने के लिए आता हूँ। बट कभी भी ऐसा मत करना ब्रो, ठीक है ना। मैं भी एक मजदूरी हूँ, मैं भी एक काम करने के लिए आया हूँ, ठीक है। मैं भी किसी अमीर का बेटा नहीं हूँ। अगर मैं अमीर का बेटा होता ना, मैं यहाँ पे नहीं होता ब्रो, मैं क्या कर रहा होता पता नहीं मुझे, ठीक है ना। अगर आप लोग ने इस चोर को कहीं पे भी देखा तो प्लीज़ गाइज, कॉन्टेक्ट नंबर मेरा यहाँ पे, चोर का है यहाँ पे, अगर दिखा तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कर देना, ठीक है गाइज। होप यू लाइक इट माई वीडियोज़, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, टिल देन बी सेफ एंड ड्राइव सेफ गाइज़।